नमस्कार मु काजल आज आम सहित अच्छा कंठशिल्पी मधुस्मिता पाणी चलतु तक सहित आम कथा मैम वेलकम आवर चैनल। नमस्कार पीपल न्यूज रो समस्त व्यूअर्स मन को मो तरफ रु सारा ओडिशावासी को मो नमस्कार। मैम केमी अच्छा ये जो कोरोना टाइम रहा से आपण संगीत साधना केमी संगीत साधना टिके बढ़ी जाइला पूर्व अपेक्षा जेहेतु टिके टाइम फुल टाइम मिलूला तो बेसी टाइम तो संगीत ही जाऊला तो कार्यक्रम टी मु आरंभ करिवारु आपणकर गोटे सुमधुर गीत माने कंठरे गोटे सुमधुर गीत सुनिबा को आमे चाहौछु। निश्चित भाव में एमती तो मुझे बहुत सारा भजन गाई किंतु मोर जी आदर्श पिला दिन रु जहाँ गीत शुणी शुणी गायबापी इच्छा कै तो भजन फास्ट गोटे स्टार्ट करी गोटे संगटे भजनटे म्यूजिक देते मलय सर आीत गई नमिता मैम तो से गीतर आपन को दुईपद निश्चित भाव शुणे। जगन्नाथ नाम भजो जगन्नाथ नाम भजो जगन्नाथ नाम भजो बार 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 चैन मिलेगा परम पार भय चैन मिलेगा परम पार जड़ चेतन में जग सार है जड़ चेतन में जग सार है जगन्नाथ ही सार 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 चैन मिलेगा परम पार भय चैन मिलेगा परम पार। बढ़िया लगला मैम सीरियसली बहुत बढ़िया लगला तो मैम मुझे पचारे को चाहूँगी कि माने जो लॉकडाउन रहा से आप मैंने घर में कौन सब काम कले नेचुरली तो आम मैंने सब बेले घर में कुकिंग ही बेस्ट आके से टाइम पिला टाइम देली जो टाइम तक आमको मिलून म्यूजिक आम स्पेड कर टाइम तक तो पूरा म्यूजिक स्टप हो जाता कि भितर पाने म्यूजिक शिखेबा स्टोरी कि शिखिक कह घर जिते प्रकार कुकिंग शिखा यूट्यूब्रु यही सब कम चलता बढ़िया कथा। तो मैम एबे मु पचारे को चाहूँगी कि आपणकर छोट मानने छोट बेलटा मानने पिला बेल आप नटखटी थी के सोवर कैंडेड थे नटखटी तो बिल्कुल भी नी बर्तमान बध हो जाए पिला सहित मिसी ना पूरा सोवर डिसेंट तो मानने प्रथम गुरु आपण जीवन प्रथम गुरु जी संगीत को आपण को बाट देखते तो आपण ना कहतु एक्चुअली कहया को गले पिला दिने मु वन ईयर निजे निजे इच्छा रे सीखी थी किंतु पेरेंट्स मानन को सपोर्ट पाई सेठ मु लिप कली नेक्स्ट आफ्टर मैरिज मु कंटिन्यू कली जो गुरु मत बाट देखी तांको नाम मु नौचे मो गुरु श्री प्रताप कुमार श्वर सिंह से स्वर्गत तो से नहांती वर्तमान तांकर अनुपस्थिति मु अनुभव करुछे सी ही मते प्रेरणा देथले ए संगीत लाइन रे आगे बा पाई मझे मुझे डिस्कंटिन्यू कर दे आफ्टर मैरिज तो से मत कहते ना सबकि संभव जदि इच्छा शक्ति अच्छी संगीत किसी बयस न थाए तो जदि किसी चाहू एपे भी संभव तो मो प्रेरणा कहले से सेकेंड तो आफ्टर मैरिज मो हजबैंड भी मत कहते थोड़े गीत शुणला बेले जे तुम्हें ये भल गाऊ कहीं छाड़ी देच गीत तो मुझे कहली ना घर तो पेरेन्ट्स मान सपोर्ट ना तो से डिस्कंटिन्यू कर दे तो से भी मत कहते ना तुम जब कंटिन्यू कर चाहूच कंटिन्यू कर तो दुईज को मु मो प्रेरण उत्स कह मैम आपण कहले कि बहुत गैप रही जाइला तो जितेबले एत गैप रही जाइला तो संगीत स्टार्ट करवाटा कष्ट आपण ना कष्ट ही ना फास्ट फास्ट नर्भस टी फिल होता जेहेतु एत बर्षर गैप आफ्टर बिटवीन 15 इयर्स गैप तो मैरेज पर मानने पाने फैमिली ही जाइला फिर भी कष्ट है जेहेतु मोर संगीत प्रति आग्रह था से भल पाऊली मु कष्ट ना कारण घर लोक मान कोऑपरेशन थी मोपाई तो छोट बड़ पिलांकर माने अनेक आशा थाए मु डॉक्टर हेबी इंजीनियर हेबी कि मु भलो गोटे जहाँ को कहते कि मु गोटे नृत्य शिल्पी हेबी किंतु आपण काहे कि चूज कले जे मु गीत गाइबी मु गोटे कंठशिल्पी भाबे लोक मते चिन्हिबे
ନାଇଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଏଇଠି ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିକି ଗାଇପାରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ହୁଏନି। ପାଠ ତ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ପାଠପଢ଼ା ତ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଆଉ, ତାପରେ ମାନେ ପଢ଼ା ମଝିରେ ସେଟା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କହିଲେ କି ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟଟା ନଥିଲା ଛୋଟବେଳେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ, ଆପଣ କେବେ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଛି, ଲୁଚିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥଲି ପେଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ କେବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏତେଟା ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ତ କହିକି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ମାନେ ହଁ ନା ହଁ ନା ହଁ ନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା। ତାପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାରମୋନିୟମ୍ ଅଛି ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ନଥିଲା, ଘରେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କିଛି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବି, ସେଠୁ ମୁଁ ଲିପ୍ କରିଯାଇଥିଲି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଜନ ହିଁ ଗାଆନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭଜନରୁ ଆଉ ପଦେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଇଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଇଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଭଜନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ଦେହରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୋର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆହାରେ ମୁଁ କଳା ଠାକୁର ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତରୁ ମୁଁ ଗାଇକି ଶୁଣାଉଛି। ତୁଳସୀ ରସିଆ ତୟଣା ମାଳିଆ ଉଠ ତାରଙ୍ଗା ଧାର, ଆହାରେ ଆହାରେ କିଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କଳା ଠାକୁର, ଆହାରେ ଆହାରେ କିଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କଳା ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବଡ଼ ଭୋଗଖିଆ ବିଶୁତା ବଡ଼ ସିଂହାର, ଆହାରେ ଆହାରେ କିଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କଳା ଠାକୁର, ତୁଳସୀ ବେଶରେ ଚନ୍ଦନ ପାସରେ, ତୁଳସୀ ବେଶରେ ଚନ୍ଦନ ପାସରେ, ମହକେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ତାହାର, ଆହାରେ ଆହାରେ କିଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଳା ଠାକୁର, ଆହାରେ ଆହାରେ ମନ ଲୋଭା ରୂପ ତାହାର। ମାନେ ସତରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ପାରୁନି, ପୁରା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମାନେ ପରିବେଶଟା ପୁରା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେତେବେଳେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା, ତାର ମାନେ ସେତେବେଳେ ନର୍ଭସ୍ ତ ଥିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଳି ହଉ ତାଳି ହଉ, ତ ସେସବୁକୁ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରହୁଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଜ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି ମୋତେ ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମୋର ନାହାନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କର। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ 2-4ଟା ଗୀତ ଉଠାଇଥିଲି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଭିତରେ, କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଗାଇଥିଲି ମାନେ ନର୍ଭସ୍ ବହୁତ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି ଗାଆନ୍ତୁ, ତ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେଇଦିନଟା ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଗୀତ ସୁର ତାଳରେ ଗଲା, କେଉଁଠି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ନର୍ଭସନେସ୍ର ମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯାଇଥିଲା। ତାପରଠୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ମୁଁ କେବେ ହାରିବା ଶିଖିନି। ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ପରିବାର ଆଉ ଗୀତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଆପଣ କେମିତି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ନିଅନ୍ତି?
बढ़िया कथाटे पचारे परिवार आउ संगीत दुईटा जाक मिसले बहुत हेडक हुए बेले बेले एमती भी लगे जे नाई मु करिपारिनि कारण संगीत हूँ गोटे साधना बिना साधना आम कि प्राप्ति करूँ कहीं जब मु मानते कम्प्लीट करी छाड़ी था किसी प्रोब्लेम न था जेहेतु मु अधारु छाड़ी मु पुणी माने न्यू थे माने बिगनिंग रु पुणी कैरियर आरंभ कर संगीत पे टाइम देवाक पड़ी शिखा पुणी ता सहित पिला माने छोटे छोटे अच्छा घर को टाइम दबा रोसे करबा पुणी स्टेज अटेंड करबा बहुत कष्ट होला किंतु धीरे धीरे मैनेज हो गला कारण घर आमर सब फैमिली मेम्बर्स बहुत सपोर्ट मते कले खास करके तो मो हस्बैंड बहुत सपोर्ट थिला माने पिला मान मुझे जितेबले जुआडे जाए मोर कौन से प्रोग्राम थाए कि कौन से थाए तो मु पिला मानको पई खाइबा पिबा बने कि सब माने रेडी करके ही जाए कि ता भितरे मते बहुत कष्ट होई छी बेले बेले भाबी छी नै छाड़ देबे किंतु मनर विश्वास जे नै मु किछि करिके देखेबे तो से आज पर्यंत स्टैंड कर तो मधुस्मिता मैम को लाइफ रे एमती कौ टाइम रे दुख आसी जोटा कि से केबे भूली भी पारंतनी आ जते बेले मन भी पड़ी जाए आखिरे लुह आसी जाए एक्चुअली आपण एमती क्वेश्चन पचारे आखिरे मोर लुह आसी गला एक्चुअली मु जते बेले मे करियर गढ़िली बहु दुख माने दुख नुह तो टिके नुह जोटा कि माने केबे भरिबनी माने से दुखर रियल रे मते कांद आसी जाए से भाविले मोर सान भौणी सी जो मानने मो सान भौणी जो मैरेज कले तो हस्बैंड सी मते बहुत सपोर्ट करते नानी आप बहुत बढ़िया गाँव बहुत आगे जी सी बहुत मोपाई चेष्टा भी करूँगी किंतु जो दिन जस्ट वन ईयर बिफोर तर एक्सीडेंट है जो दिन गोटे दिन भितर सडन मुझ भुवनेश्वर नी मुझी आज रात एक्सीडेंट होपर दिन डेथ हो जाने मुझे मुझे कंट्रोल कर पारिनी आजे मो जीवन रुठ मानने ये भल पाइबा मनुष्य जी मत छाड़ी चली जाऊँ दुख तो समस्त जीवन छोटमोट दुख आसो कि जो दुखर आउ मानने पूरण हो पार अपूरणीय क्षति मो लाइफ रे सेटा ही घटी जोटा कि भूली पारिनि तो मैम मु एक्चुअली सॉरी तो आपण माने इत्ते सुंदर गीत गाउरु आपण अपसेट हो जाइछन्ति तो मु चाहे भी कि आपण आपणकर माने जे जहांको पई आपण बे अपसेट हो जाइछन्ति तांको पई गीतटे टैग करंतु नहीं अफसेट नहीं एक्चुअली हृदय लोक जो माने भल पांती जो माने बुझी पारंती बहुत कम लोक मिलंती लाइफ रे एटा तो मो रियल कथा कहे तो सी मो भौणीर हस्बैंड होता है कि मोर गोटे सान भाई भाया थे सी भी बहुत जगन्नाथ प्रेमी तो मु निश्चिंत भाव में मो भजन जिते मुझे भावुँ आज जी सी था जिते गीतटा गाई जदि था हे तो से बहुत खुशी होता है और बहुत सारा लोक कहते जे नाई मो नानी जड़े भल सिंगर तो से मो गीत डेडिकेट करुँ सपन मणिक मकल मणिक विश्वविधाता बोली पड़ुछि डाक संसार जल रे छटपट होते डाकिले मो डाक शुभुना सपन मणिक मकल मणिक विश्वविधाता बोली पड़ुछि डाक मणिमा पड़ुछि डाक मणिमा पड़ुछि डाक नाइस नाइस बहुत बढ़िया लगला मैम तो मैंने आपण सहित तो कथा है कि सत्तरे मते बहुत भल लगला आपणकर मन खोला कथा हेले आपण आम सहित तो बहुत मानने मिसिले निजर मन कथा आम पाखे सेयार कले तो आमको समय दे मैम आपन को अशेष अशेष धन्यवाद आपण सहित कथा हेबा मते बहुत खुशी लगला मो मनर केते कथा मु कहि पारिली आपण सहित शेयर करि पारिली आपण को माने चैनल माध्यम रे जो व्यूअर्स माने देखुथिबे तो सेमानक पाखरे मोर किछु हृदय रे कथा पहुँचि पारिबो जहाँ मते खुशी लगुच आपण मोप ये टाइम देले आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर रु संदीप दास राजेश्वरी नायक पीपीएल न्यूज।